हेलो फ्रेंड्स, आज हम सुबह के नाश्ते में बनाएंगे उत्तपम। इसको बनाने के लिए हमें जिन इंग्रेडिएंट्स की जरूरत है वो चलो नोट करते हैं। प्याज, टमाटर, हरी मिर्च, धनिया, कैप्सिकम, शिमला मिर्च, रवा, दही, इनो, रिफाइंड ऑयल 2 चम्मच और आवश्यकता अनुसार नमक और लाल मिर्च। लेट्स स्टार्ट। एक बाउल में हमें रवा डालना है, उसमें आधा कम कप दही, थोड़ी सी प्याज, थोड़ा सा टमाटर, थोड़ी सी हरी धनिया, थोड़ी सी हरी मिर्च, थोड़ा सा कैप्सिकम, 2 चम्मच तेल लगभग, आवश्यकता अनुसार लाल मिर्च, आवश्यकता अनुसार ही अपने टेस्ट के अनुसार नमक। इन सबको मिक्स करना है। पानी डालना है और एक बैटर तैयार कर लेना है। बैटर लगभग इतना पतला होना चाहिए। इसे 5 मिनट के लिए हम रेस्ट करने को छोड़ देंगे। बैटर हमारा तैयार हो गया है। देखिए इतना, इसकी कंसिस्टेंसी इतनी होनी चाहिए। फिर इसमें हमें आधा चम्मच के लगभग इनो डालना है और नींबू का रस। इसको अच्छी तरह हिला लीजिए, फिर 2 मिनट के लिए रेस्ट करने के लिए छोड़ दीजिए। चलिए अब शुरू करते हैं इसे बनाना। सबसे पहले हम पैन से अपना स्टोव चला लेंगे। हमने तवा रख दिया है, पैन रख दीजिए, तवा रख दीजिए, आपके पास नॉन स्टिक जो भी हो आप रख दीजिए। उस पर हल्का सा ऑयल लगाइए। जब तवा आपका हीट हो जाए, इसमें हमने ऑयल डाला था, उसको हमने फैला दिया अच्छी तरह। इसके बाद हमारा बैटर इसमें डालेंगे। बैटर में ऊपर से हल्का सा प्याज स्प्रिंकल करिए, थोड़े से टमाटर, थोड़ी सी धनिया और कैप्सिकम, इसको अच्छी तरह डालिए। इसको धीमी आंच पे पकाना है। अगर आपको तीखा पसंद है तो हल्का सा इस पे लाल मिर्च ऊपर से डाल दीजिए। आप किनारे किनारे छोटा छोटा थोड़ा सा ऑयल डाल के देखिए।
पलटने से पहले इसे अच्छी तरह ऊपर से कुक हो जाना चाहिए, अगर ये कच्चा रहेगा तो टूट जाएगा। अब हमने इसको पलट दिया है, इस तरह पलटना है। और इसको धीमी आंच पे नीचे से भी हमें सेक लेना है। और रेडी है सर्व करने के लिए। खाइए और एंजॉय करिए।